हेलो फ्रेंड्स, तो आज शेयर करेंगे गरमा गरम धुस्का की रेसिपी। और देखिए, तोड़ के दिखाते हैं कितना ही सॉफ्ट बना है। तो चलिए गरमा गरम धुस्का बनाना शुरू करते हैं। इसको बनाने के लिए सबसे पहले लेना है चना दाल, उड़द दाल, अरवा चावल, उसना चावल, और ये सबको अच्छा से धो लेना है और फूलने के लिए छोड़ देना है रात भर के लिए। जब ये अच्छा से फूल जाए तब इसको दो बार धो लेना है और फाइन पेस्ट बना लेना है। और इसमें ज़्यादा पानी डाल के नहीं पीसना है, थोड़ा थोड़ा ही पानी डालना है। अब पेस्ट को एक बड़ा बर्तन में निकाल लेना है और जार में थोड़ा सा पानी डाल लेना है और जो पेस्ट लगा हुआ है उसको धो लेना है और इसमें डाल देना है। अब इसमें स्वाद अनुसार नमक डाल देना है और इसको 5 मिनट अच्छा से फेंट लेना है। और देखिए, पेस्ट को ज़्यादा पतला भी नहीं करना है और ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं रखना, नहीं तो धुस्का अच्छा नहीं बनेगा। अगर वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आ रहा है तो लाइक करना ना भूले और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। देखिए, तेल जब अच्छा से गर्म हो जाए तब घोल को डालना है। अब धुस्का को इसी तरह मीडियम आंच में उलट पुलट के छान लेना है। तो एक बार आप लोग भी मेरे तरीके से धुस्का बनाइए और बताइए कैसा लगा। देखिए, गर्मा गर्म धुस्का बनकर तैयार है। और आप लोग इसको गर्मा गर्म काबुली चना सब्जी के साथ खाइए या आलू सब्जी के साथ खाइए, बहुत ही स्वादिष्ट लगता है खाने में। तो मिलते हैं आप लोग से अगले रेसिपी में।